दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं हमारे हिंदू धर्म में एक से एक रहस्यमय मंदिर है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ 7 मिस्टीरियस टेंपल्स के बारे में बताने वाले हैं, तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत। नंबर 7, दोस्तों क्या एक मूर्ति कुछ खा या पी सकती है? आप सभी का जवाब होगा नहीं, पर आज मैं आपको एक ऐसी मूर्ति के बारे में बताने वाला हूं जो ऐसा कर सकती है। उज्जैन काल भैरव मंदिर। उज्जैन में एक हिंदू मंदिर स्थित है जो कि भगवान काल भैरव को समर्पित है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान भैरवनाथ पर मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और भगवान स्वयं भी इस मदिरा को ग्रहण करते हैं और बाद में यही मदिरा भक्तों को भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ये कैसे हो सकता है और कैसे कोई मूर्ति मदिरा पी सकती है, इस चीज की खोज आज तक साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए। नंबर 6, दोस्तों आप लोगों ने भगवान शिव के कई मंदिरों के बारे में सुना होगा, पर क्या आपको पता है भगवान शिव के वो 8 मंदिर जो कि धरती के लॉन्गिट्यूड में एक लाइन में बनाए गए? ये 8 मंदिर है केदारनाथ, कालाहस्त, इकम्बरनाथ, तिरुवनामलाई, तिरुवनाईकावल, चिदम्बरम नटराजा, रामेश्वरम और कालेश्वर। नंबर 5, श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल। ये मंदिर भगवान विष्णु का है और इस मंदिर के तहखाने में 6 दरवाजे मौजूद है जो कि कई सालों से बंद थे। एक बार सरकार ने जब इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की तो इनमें से 5 दरवाजे तो खुल गए, पर आखिरी दरवाजा नहीं खुला, जिसके वजह से सरकार ने इसे तोड़ने का सोचा। ये सुनकर सारे पुजारी इसके खिलाफ हो गए। पुजारियों का कहना है कि ये दरवाजा सिर्फ गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही खुल सकता है और अगर इसे तोड़कर खोलने की कोशिश की गई तो ये मंदिर ध्वस्त हो जाएगा और इसके वजह से और भी बहुत सी बुरी चीजें हो सकती है। तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड। अमेरिका में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले कई हनुमान जी की मूर्तियां के वजह से इस शहर को लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड के नाम से जाना जाता है। इस पूरी सिटी की थोड़ी सी ही खुदाई के बाद कई हनुमान जी की मूर्तियां मिली, पर कुछ नेचुरल रीजंस के कारण आगे खुदाई करने से रोक दिया गया। नंबर 3, मेहंदीपुर बजरंगबली मंदिर। इस मंदिर को भूत भगाओ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां कई लोग अपने परिवार वालों या दोस्तों के साथ आते हैं और भूत प्रेत और कई से परेशानियों से निजात पाते हैं। यहाँ कोई भूत झाड़ने के लिए बाबा नहीं है, कहा जाता है यहाँ भूत प्रेत से खुद हनुमान जी ही छुटकारा दिलाते हैं। नंबर 2, माँ ज्वाला मंदिर। माता के 51 शक्ति पीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को ज्योता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर माता सती की जीव गिरी थी। इस मंदिर का चमत्कार ये है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया कि आखिर ये ज्वाला यहाँ से कैसे निकल रही है। कई वैज्ञानिक कई तरह की खुदाई करने के बावजूद ये पता नहीं लगा पाए कि ये प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है, साथ ही आज तक कोई इसे बुझा भी नहीं पाया है। ये 9 ज्वालाएं माता के 9 स्वरूपों के प्रतीक है। मंदिर में जो सबसे बड़ी ज्वाला जल रही है वो ज्वाला माता के बाकी सभी माँ के अन्य स्वरूपों को दर्शाते हैं। नंबर 1, बिजली महादेव। ये भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। इस जगह के बिजली महादेव नाम पड़ने के पीछे के कारण ये है कि कहा जाता है यहाँ शिवलिंग पर हर 12 वर्षों में आकाशीय बिजली गिरती है और शिवलिंग कई टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी मक्खन की सहायता से शिवलिंग को फिर से जोड़ते हैं। कुछ समय बाद ये एकदम नई शिवलिंग की तरह लगने लगता है। इसी के साथ शिवलिंग पर कान लगा के सुनने पर नीचे बह रही पार्वती नदी की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।